चलो हम चार बहने हैं। जी बेटा। भाई नहीं है। अच्छा बेटा बोले। कहा जाता है कि सुतेले बहन भाई हो तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, इतनी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? फातिमा सजाद। फातिमा किस क्लास में पढ़ती हैं? 10। फातिमा क्या मसला है, गम छोटे आदमी को खा जाता है? आप तो बड़ी हैं, 10th में हो गई हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं इल्म वाला जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरी बेटी आप क्यों परेशान हैं? चलो हम चार बहन हैं। जी बेटा। भाई नहीं है। अच्छा बेटा बोले। मुझे कुछ ऐसा करना है मेरे पापा को कोई बेटे की कमी ना रहे। वाह वाह कमाल। वो कहते हैं जो महसूस करते हैं कि बेटा होना चाहिए, लेकिन बाद में कहें या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे बेटा नहीं दिया, मुझे क्या दिया। ऐसा काम करेंगे बेटी इंशाल्लाह बेटा, गुड। बेटा वो मैम क्यूरी है, वो जो नौकरानी थी ना आपने वो सर्च जब पढ़नी है, वो मैम क्यूरी है, ठीक है। उनकी फैमिली में 5 नोबल प्राइज़ हासिल किए गए, इस बेटी की वजह से मैंने सारा राज खोल दिया। 5 नोबल प्राइज़ जो कहते हैं नौकरानी, और इस मुकाम पर पहुंची। बेटी आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मैं लेकर दे देता हूँ। भला क्यों, ये आंसू बड़े सच्चे होते हैं ना, ये आंसू ना बड़े सच्चे होते हैं, ये हमें नहीं निकलते, ये किसी खास के लिए निकलती। खास कौन है भला बेटा, कौन है? इंशाल्लाह ये बेटी, बेटा अपने घर में जाकर ना लिख लगा ले मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। बेटा आप इंशाल्लाह करेंगे। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? आमना असलम। आमना किस क्लास में पढ़ती हैं? बेटा क्या ऐसा पर्पस, उसने मुझे मतलब मेरी भी आंखों को ना उसने ना इनमें भी नमी आ गई है उनकी वजह से। सर बात ये है कि हर इंसान का एक एम होता है, एमलेस इंसान मेरे ख्याल में वो जानवर होता है, और मेरा एक एम है, शायद आपको सुनने में छोटा लगे लेकिन मेरी ये होल लाइफ है कि आई वॉन्ट टू बी एम बी बी एस डॉक्टर इन माई लाइफ। एम बी बी एस तो लोग बाहर से भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा है कि मैं अपने पाकिस्तान से करूँ इंशाल्लाह। बिकॉज कि मेरी फैमिली में मैं इकलौती बेटी हूँ, मतलब अपने वालदैन की, और मेरा सिर्फ एक भाई है। पाकिस्तान से क्यों नहीं ये वाला? जी लोग तो बाहर से भी कर लेते हैं, आपको पता है 60% नंबर हो 70% नंबर हो लोग यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से, सबसे कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे इसका मेरिट बहुत हाई है। ऐसे ही बेटा। और एमबीबीएस की फील्ड मैंने इसलिए चूज़ की कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और जो लोग मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान से करते हैं या मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने एमबीबीएस की फील्ड चूज, और वो भी पाकिस्तान से। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, और मैं पहली वो लड़की हूँ जिसने जो मेडिकल की फील्ड में आई, जिसने मैट्रिक बायोलॉजी से मतलब किया, आगे फिर मेडिकल एंड देन कंटिन्यू ना मैट्रिक इंशाल्लाह एमबीबीएस। लेकिन मैं एमबीबीएस पे नहीं रुकी हूँ। अच्छा। मैं एलएलबी भी करना चाहती हूँ। कमाल। हमारे पाकिस्तान में सबको पता है पाकिस्तान जिस नजरिए पे बना था वो पूरा नहीं होता सर। हमारी अदलिया, बहुत माजरत के साथ, हमारी अदलिया, हमारे अदल का जो निज़ाम है, हमारे इंसाफ का जो निज़ाम है, वो फुलफिल नहीं होता। सही। हमारे जो मकसद है, जिस मकसद पे कायद ने पाकिस्तान बनाया था, इकबाल का जो ख्वाब था, वो पूरा नहीं होता। सही। हम लोग जो हैं, हम एक कौम है। सही है बेटा। हम पाकिस्तान, अगर एक इंसान भी है वो अगर ये सोचता भी है, देखिए सर ख्वाब वही देखता है जो उसे पूरा करने की हिम्मत रखता है। अगर मैं चांद की ख्वाहिश करूँगी ना तो ज्यादा नहीं तो मैं सितारों तक तो पहुंच जाऊंगा। कमाल, गुड, यू आर स्पीकर, गुड, थैंक यू सर। सितारों तक जी, यहां से आगे सर। इंसान का सिर्फ एमबीबीएस और एलएलबी तो एक साइड पे रहेगा, एक अच्छा इंसान जो अपने मुल्क से वफादार है। सर आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही बेटा, इस तरह। लेकिन मैं समझती हूँ जब आप एक चीज एक मुल्क में रहते हैं, आप उसके अच्छे वक्त में भी उसके साथ रहे और आप उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहे। अगर हम पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत माजरत से कहूँगी कि वो इस मुल्क से वफादार नहीं, उन्होंने वफा नहीं पाई, जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। ऐसे ही। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट लॉयलिटी। लेकिन ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान उस मुकाम पर पहुंचे इंशाल्लाह, वहां से लोग यहां, वहां से लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मिनाहिल अफजल। मिनाहिल किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूं। मिनाहिल क्या पर्पस है? मेरी जिंदगी का एम ये है कि जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद करना चाहती हूं।
मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं सकते मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। वाओ, मेरी जिंदगी का इसके अलावा और कोई एम नहीं। मैं कहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आगे उनकी जो एम है लाइफ के वो उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। और मेरा दूसरा एम ये है कि मैं अपने मुल्क में से करप्शन को ख़त्म करना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में करप्शन ऐसे है कि मैं आप लोगों का एक वाकया सुनाती हूँ। सुने बेटा। एक मौलवी अपने घर आता है, वो कहता है क्या पका हुआ है। उसकी बीवी कहती है मैंने ना आज ना गोश्त बनाया। वो कहते हैं ये तो महीने का आखिरी दिन चल रहे है, तुमने कैसे गोश्त बना लिया, गोश्त है ही नहीं। तो कहती बाहर से ना मुर्गी आई थी, वो मैंने पकड़ के उसको पका लिया। वो कहती है मौलवी कहता है ये तो हराम हो गया। तो कहती हाँ हराम है। कहते पानी तो अपने घर का ना शोरबा तो मुझे ला के दो, पानी तो अपने घर का ही डाला ना मुर्गी में, शोरबा ला के दे, गलती से ना बोटी चली जाती है। मौलवी कहते ये तो गलती से गई है ना, जो खुद डालोगी वो हराम है, जो गलती से है वो मैं खा लेता हूँ। हमारे मुल्क में करप्शन बिल्कुल ऐसे ही है, जो गलती से आगे हालांकि हराम चीज भी लोग खा लेते हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप? सर ठीक। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सितारा सितार है। आप सितारा किस क्लास में पढ़ती हैं? सर 10th में। आप सितारा सितारों पे इन्होंने जाकर क्या करना है? कमेंट डालना है। जी बेटा क्या पर्पस है, क्या मकसद है? सर मेरे फादर नहीं है, मैं 7 ईयर्स की थी जो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सही है। और कहा जाता है कि सुतेले बहन भाई हों तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, इतनी के वो आपको कुछ भी नहीं करने देते लाइफ में। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं करना देते। ऐसे ही ऐसे ही। मैं और मेरी सिस्टर दो ही बहनें थी ना, हमारा कोई भाई था, और फादर माशाल्लाह से उनका बहुत कुछ था लेकिन सारा कुछ उनके बाद ले लिया गया। मेरी मम्मा के लिए बहुत मुश्किल था बहुत कुछ करना, लाइफ का खुद तो कोई एम नहीं था। 7 ईयर्स थी तो कुछ भी नहीं पता था लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। बस लाइफ का एक एम है कि वो जो 5 के 5 लोग हैं जिन्होंने मुझे और मेरी बहन को इतना डिग्रेड किया था कि हम लोग खुद से खड़े नहीं हो सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, मतलब कुछ भी समझ नहीं था आता, सिर्फ उन 5 की ज़ुबानें सब कुछ बंद करना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरी सिस्टर तब 8th में थी और आज वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि उन लोगों की ज़ुबानों पर बस नाम हो कि ये बगैर बाप के एक सिंगल पेरेंट ने पढ़ाया मेरी बच्चों को। कमाल बेटा, गम छोटे आदमी को खा जाता है, बड़े को बना जाता है। बेटा इंशाल्लाह आप लाइफ में आगे जाएंगी। आपने इस बेटी की ना आपने बात नहीं सुनी, आप बात सुनती ना ये आगे निकल गई है। जो बात मैं आगे पहले बता चुका हूँ ना वो इनके साथ हो रही है। बेटा आपने टोनी रॉबिन्स को सामने रखना है, वो कहते हैं जिसको ज़्यादा जितना ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है। बेटा एक आदमी ने 27 साल लगाकर माउंटेन के दरमियान में से रास्ता बनाया अकेले ने। कहते क्यों? कहते मेरी बीवी मुझे ना खाना देने के लिए आ रही थी, उसकी डेथ हो गई इस माउंटेन की वजह से। मैंने कहा किसी और इंसान के साथ ऐसा ना हो जाए, 27 साल लगा करके अकेले ने। गम छोटे आदमी को, बेटा क्या बोला? गम छोटे आदमी को, बड़े को। बेटा इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह आपने कामयाबी की तरफ नहीं जाना, कामयाबी नहीं इंशाल्लाह आपकी तरफ होना। बुल्ले शाह का शेर है पंजाबी में, वैसे अगर किसी को समझ आए तो। कमाल। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, वाह, बुझे दीवे बलदे वेखे, जिन्हां दा जग ते ना कोई होवे पुत्तर पलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल ही गलदी, असी ता पत्थर दिन भी पिघलदे वेखे। कमाल। रहमत ओदी दे नाल भुलिया, रहमत ओदी दे नाल भुलिया, बंदे पानी ते चलदे वेखे। कमाल। गुड।